भैया हमने आखिरकार पैरेट ज़ॉम्बी को हरा दिया भैया, उनके ज़ॉम्बी बॉस को हरा दिया, अब वक्त है नए वर्ल्ड को खेलने का भैया। ओ हाँ, पैरेट ज़ॉम्बी बॉस को हराने में बहुत मजा आया, पर अब अगला वर्ल्ड कौन सा खेलना है देखते हैं भैया। बहुत सारे वर्ल्ड हैं जिसको हम अनलॉक कर सकते हैं और हमारे पास सारी की है भैया, पर हम अभी एक ही वर्ल्ड को अनलॉक करेंगे भैया। तो देखते हैं भैया अगला वर्ल्ड कौन सा होता है। पहली ये लिस्ट है, ये तो पैरेट वाला है भैया, इसको हमने हरा दिया था, इसको बैक करना पड़ेगा, फिर देखेंगे अगला वर्ल्ड कौन सा होता है। देखिए ये पैरेट सीज है, इसके बाद है वाइल्ड वेस्ट, इसमें इतने सारे प्लांट्स अनलॉक होंगे भैया। देखिए इसको हमने अनलॉक कर दिया, पर इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा है भैया। वो इजी गेम तो सभी खेल लेते हैं, खेलना तो डिफिकल्ट को है। चल देखते हैं किस टाइप का गेम है ये। भैया इसमें भी 25 लेवल है। तो पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें थोड़ा ट्यूटोरियल होगा भैया। ओ ये क्या है, यहाँ तो ट्रेन के ट्रैक लगे हैं, इसमें क्या करना है, प्लांट इसमें लगेंगे क्या? भैया प्लांट जो है वो पूरे ट्रैक में नहीं लगेंगे, पर बीच का जो हिस्सा है भैया उसमें लगेंगे, ये मूव हो सकता है भैया। जहाँ तक ट्रेन का ट्रैक है वहाँ तक आप इसको मूव कर सकते हैं भैया। ओ ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, मैंने पहली बार देखा कि हम प्लांट को मूव भी कर सकते हैं। इससे हमको कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि अच्छे वाले प्लांट को उसमें रख के हम पूरा मैप में मूव करा सकते हैं। हाँ भैया चलिए गेम स्टार्ट करके देखते हैं। पहले सनफ्लावर लीजिए, फिर एक पी शूटर लीजिए, एक वॉलनट, फिर आइसबर्ग लेटेस ले लीजिए भैया, काम का है, उसके बाद पोंग चॉय ले लीजिए और स्पाइक वीट ले लीजिए, वैसे काम का तो नहीं है स्पाइक वीट, लेकिन फिर भी ले लीजिए, रिपीटर ले लेते हैं। चलिए अब गेम स्टार्ट करते हैं भैया। ओए अच्छा, प्लांट तो वैसे ट्रेन ट्रैक में लगेंगे नहीं, तो हमको थोड़ा कम स्पेस मिलेगा जिसमें हम प्लांट कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग चैलेंज टाइप का है, फिर भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर पहले मैं सनफ्लावर प्लांट करता हूँ, वैसे एक पी शूटर पहले से लगा हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे मूव कर देंगे ज़ॉम्बी के सामने। वैसे भी उसको रोकने के लिए मैंने आइसबर्ग लेटिस ले लिया है और दूसरे वाले में भी पी शूटर रख लिया है, अब जहाँ चाहे हम इसे मूव करा सकते हैं। तब तक के बचे हुए टाइम पे मैं थोड़े सनफ्लावर और प्लांट कर देता हूँ, देख आराम से इन्हें मूव करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भैया दिक्कत अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब चालू हो गई है, क्योंकि अब दो दो जगह से ज़ॉम्बी आना चालू हो गए हैं, आपके प्लांट केवल दो ही है भैया, तो आपको अगर प्लांट करना ही पड़ेगा। ओए मैंने सोचा शुरुआत में कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन मैं तो भूल गया था ये प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी है, इतना जल्दी ये टाइम नहीं देता, और इसका कोई भी गेम उतना इजी नहीं होता जितना प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी था, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। चल कोई नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसकी जगह अब ट्रिपीटर रखना चालू करता हूँ, यानी डबल पी शूटर। हाँ भैया अच्छा चॉइस है, पहले ही आपको रख लेना था, लेकिन कोई बात नहीं भैया, उस समय आपके पास सन नहीं थे, तो अब आप लगा सकते हैं, जहाँ चाहे इन रिपीटर्स को लगा सकते हैं भैया। ओए इसमें तो अभी कोई नया टाइप का ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा है, वही नॉर्मल ज़ॉम्बी है, बस उनके कपड़े अलग हो गए हैं। वो इसलिए भैया क्योंकि ये स्टार्टिंग का लेवल है, ताकि आप जान जाए कि इसे खेलते कैसे है, उसके बाद इसमें तो तरह तरह के ज़ॉम्बी हैं भैया, आप देखिएगा आगे के लेवल में और भी अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बी आएंगे भैया, जिनसे आपको निपटना पड़ेगा। ओए ठीक है देख लेंगे, अभी तो अच्छा चल रहा है, अभी लगभग ह्यूज वेव आने वाला है। अरे भैया आने वाला नहीं बल्कि आ गया, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, तो जहाँ भी आपको लगता है कि खतरनाक ज़ॉम्बी है, तो वो स्लाइडर को स्लाइड करके आप उनकी जगह रख सकते हैं भैया, और आपके पास प्लांट फूड तो है ही भैया। ओ एक को मैंने यूज़ कर दिया, बाकी छोड़ो, बाकी ये तो लेवल भी कम्प्लीट हो गया। ओए देख ये कौन सा प्लांट मिला है, अच्छा ये तो वही वाला है जो दोनों साइड अटैक करता है। हाँ भैया क्योंकि इसमें ऐसे ज़ॉम्बी आने वाले हैं जो उड़कर पीछे चले जाते हैं और पीछे से अटैक करते हैं भैया, तो उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, देखिए इसका नाम है स्प्लिट पी, तो इसको तो अगले लेवल पे लेना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि अगले लेवल में ही वो ज़ॉम्बी आने वाला है। तैयार रहिए, देखिए भैया वो बूढ़ा सा जो ज़ॉम्बी है जिसकी दाढ़ी है भैया, वो ही है भैया, वो पीछे आ जाता है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, तो पहले एक सनफ्लावर ले लीजिए। ओए रुक मुझे लेने दे, ट्विन सनफ्लावर लेता हूँ, उसके बाद पी शूटर, फिर रिपीटर, उसके बाद आइसबर्ग लेटिस, वॉलनट, बॉन्ग चॉय, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ये इनको निपटाने के लिए काफ़ी होगा, तो चल स्टार्ट करते हैं खेलना।
ओए ठीक है, सबसे पहले सनफ्लावर लगा लेता हूँ। इस बार सनफ्लावर लगाने के लिए जगह दिया हुआ है, अच्छा बात है। तो चल, अभी दो जगह ट्रॉली वाला सिस्टम है तो उसके लिए भी प्लांट चूज करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ कि अब ट्विन सनफ्लावर लगाना स्टार्ट करता हूँ। अरे यहाँ तो जॉम्बी भी आना स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब इसके लिए पी शूटर रख लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कि अब मैं ट्विन सनफ्लावर लगा सकता हूँ। और ये अच्छी बात है कि अभी मेरे पास स्लाइडर वाला है तो और दूसरा प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही स्लाइड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तब तक कि मैं वेट करूंगा और दूसरा ट्विन सनफ्लावर लगा दूंगा। पर पहले दूसरे साइड का एरिया भी कवर करना है, इसलिए वहाँ भी मैंने एक पी शूटर लगा दिया, बल्कि रिपीटर लगा दिया। और ये अच्छी बात है कि जो डबल डबल अटैक करेगा। ये देख, अभी तीसरे साइड से भी आ रहे हैं, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर एक प्लांट लगाना ही पड़ा। अरे भैया ध्यान दीजिए, वही वो बुड्ढा ज़ॉम्बी है भैया जो उड़कर आ जाता है। इसके लिए आपको डबल हेड यानी स्प्लिट हेड वाला पी रखना पड़ेगा भैया। ओए रुक जा, पहले मैं सनफ्लावर प्लांट कर लूँ। पहले एक बार मेरे सारे सनफ्लावर लग जाए, उसके बाद मैं देखूँगा कहाँ पर क्या लगाना है। ले, मेरे सनफ्लावर लग गए हैं, अब सब जगह धीरे धीरे करके ये प्लांट लगाना चालू करता हूँ। अभी तो मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए मैं सब जगह ये रिपीटर लगाऊँगा। पर पहले एक बकेट हेड आ रहा है, उसे रोकने के लिए पहले मैंने एक वॉलनट लगाया, उसके बाद अभी बोंग चॉय भी लगा दिया ताकि वो जल्दी से मर जाए। और नीचे वाले ज़ॉम्बी के लिए आखिरकार मैंने एक पी शूटर लगा ही दिया, वो बहुत पास आ गया था इसलिए मुझे प्लांट फूड यूज़ करना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, लेकिन बीच वाले एरिया में देखिए भैया, खूब सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं और आपके पास सिंगल पी शूटर है भैया। तो एक काम कीजिए, सब जगह सबसे पहले एक काम कीजिए भैया, यहाँ वॉलनट लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी एक बकेट हेड आ रहा है भैया। ओए ठीक है, कर दिया। देख अब बोंग चॉय उसकी हालत ख़राब कर देगा। अच्छा हुआ ये उड़ता हुआ आ रहा था और मेरी ज़ॉम्बी ने, मतलब मेरे प्लांट ने उसे हवा में ही मार दिया। पर एक आखिरकार बच गया, लेकिन वो भी मर गया। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी बोंग चॉय लगा दिया था, हालांकि उससे पहले मर गया। वाह भैया, आपका सेकंड लेवल भी पार हो गया। बढ़िया है भैया, देखते हैं ये मिला है भैया, इससे हमको कुछ प्लांट को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी भैया। देखते हैं, पहले तो ये 100 कॉइन दिया है भैया, उसके बाद ये जो डबल स्प्लिट पी है भैया, इसको अपग्रेड करने के लिए आ गया है भैया। उसके बाद हमको टॉल नट मिला है जो कि अभी तक लॉक है भैया। ओए बढ़िया है, हम बाद में अपग्रेड कर लेंगे उन्हें। तो देखते हैं अगला लेवल क्या होता है। हाँ भैया, देखते हैं कि अगले में कौन से चैलेंज आएंगे। देखिए भैया, एक नया ज़ॉम्बी ऐड हुआ है जो पियानो वाला है भैया। बहुत खतरनाक होता है भैया, क्योंकि इसके पियानो को टूटने में बहुत टाइम लगता है। और ये डांसिंग करते हुए आते हैं भैया, जैसे ये पियानो बजाता है बाकी ज़ॉम्बी डांस करते हुए अपना लेन चेंज करते रहते हैं भैया। इसलिए आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारेंगे भैया, तभी अच्छा रहेगा। ओए ठीक है, देखते हैं, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट करता हूँ सनफ्लावर, उसके बाद मैंने ट्विन सनफ्लावर भी रख लिए हैं और ये तीसरा दिन है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी सेकंड वाला भी मैंने प्लांट कर दिया है, अभी ज़ॉम्बी आना चालू होता है तो एक स्लाइडर में तो रखना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाले स्लाइडर में रखने से भी काम चल जाएगा और नीचे वाले में भी, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। हाँ भैया, अच्छा है, बीच में आपने लगा दिया और आपके पास अभी भी टाइम है सनफ्लावर लगाने का। तो जैसे ही ये सनफ्लावर यानी कि पी शूटर बीच वाले को मार देगा, उसके बाद आप इसे स्लाइड कर सकते हैं भैया। तो ये काफ़ी टाइम देता है भैया शुरुआत में, लेकिन जब दो दो तीन दिन ज़ॉम्बी एक साथ आना चालू करते हैं तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आप जब चाहे उसे स्लाइड कर सकते हैं भैया। और ये स्लाइडर वाला चीज़ सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बाद के लिए कि कोई काम का नहीं है। और जब मैंने सब सनफ्लावर प्लांट ही कर दिए हैं तो अब धीरे धीरे इन रिपीटर्स को लगाना चालू करता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे सन, वैसे वैसे इन्हें प्लांट करता जाऊँगा। अभी बस एक ही लेन बाकी है जिसमें अभी तक मैंने प्लांट नहीं लगाए हैं, बस उसे भी फुलफिल कर देता हूँ। ये देख, अब यहाँ पर रिपीटर रखने का वक्त आ गया है, अब बढ़िया है, अभी मेरा सब लेन सुरक्षित है। अभी देखिए भैया, यही खतरनाक वाला है, इसके लिए जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कर लीजिए भैया, या फिर स्पाइक वीड रख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आ गया, देखिए तुरंत ही मर गया, वरना वो बहुत खतरनाक है भैया। ओए ठीक है, ह्यूज वेव आने वाली है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तो मेरे हर लेन में कम से कम एक एक पी शूटर तो है ही। देख मैंने ये बोला और ह्यूज वेव आना चालू भी हो गई। देख अब कौन कहाँ से आएंगे, देखते हैं कहीं वो पियानो वाला मत आ जाए। अरे भैया आ भी जाएगा तो भी क्या होगा भैया, देखिए बीच वाले से आ रहा है
फिर से ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए भैया, उसको आने मत दीजिए भैया, तुरंत ही मार दीजिए। वाह भैया ये सही है, देखिए अब थोड़े ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस आपका काम हो गया भैया, ये लेवल भी खत्म हो गया, यानी डे 3 भी आराम से पार हो गया भैया। ओए हाँ बस ये 2 ज़ॉम्बी बाकी है, इनको बस ख़त्म कर लूँ फिर ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया है, अभी तक तो मैंने अच्छा किया है, पर आगे पता नहीं कैसे कैसे ज़ॉम्बी आएंगे। हाँ भैया ये तो है, 1-2 ज़ॉम्बी तो आप देख चुके हैं, एक जोड़ के आता है पीछे से, और दूसरा जो ये पियानो वाला था भैया, देखिए ये क्या है, ये रोटेटोनेटर लगता है भैया, देखते हैं इससे क्या होता है। ओए ये भी कोई पावर है क्या, अरे डेव और ये कार भी आ गए, लेकिन क्या बोलना चाह रही है भैया, हर लेवल में एक एंडलेस मोड होता है भैया, वो आप कभी भी खेल सकते हैं, तो इस लेवल का ये है भैया, बस जब आप सभी प्लांट अनलॉक कर लेंगे तब इसे खेलिएगा, तभी खेलने में मजा आएगा भैया, अभी आपके सब प्लांट अनलॉक नहीं हुए हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे इसे भैया। ओए ठीक है, जब हम सारे वर्ल्ड खेल लेंगे उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे, एक एक वर्ल्ड का एक एक मैप खेलेंगे। ये देखिए भैया नए टाइप का चैलेंज, इसमें आपको ये स्क्रॉल आ रहा है भैया, इसमें जो प्लांट आएंगे उनको लगाते जाना है। ओए ठीक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फेंस है, यानी कि जो ओपन है वहीं में से ज़ॉम्बी आएंगे। ओके तो मुझे पहले नॉर्मल पी शूटर मिला है, तो उसे बीच वाले में लगा देता हूँ। हाँ भैया इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से ज़ॉम्बी आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने प्लांट किया है इसको बीच में सेट कीजिए भैया, पर वैसे आप आगे वाले लेन में लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता भैया, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है भैया, उसे आप कहीं भी पुट कर सकते हैं भैया, इसलिए कोई बात नहीं आपने इसमें भी लगा दिया तो भी चलेगा। ओए तो क्या सभी ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं आएंगे, हर बार ये लेन चेंज करता रहेगा, ऐसा है गेम, अच्छा समझ में आया। हाँ भैया अगर आपने पहले वाला पी को बीच वाले लेन में लगाया रहता भैया तो आप अभी इसे सेट कर सकते थे, अभी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका पी शूटर पहले वाले ज़ॉम्बी को ना मार दे, जैसे ही वो मरेगा उसके बाद आप उसे आगे स्लाइड करेंगे तब जाके आपका काम बनेगा। ओए हाँ इसमें डिसीजन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर आपको प्लांट करना है, पर कोई बात नहीं अभी हमारा काम हो गया। हाँ भैया अब तो 2-2, 3-3 ज़ॉम्बी आने वाले हैं, देखिए अब तीसरा लेन खुल गया है, अब 3-3 ज़ॉम्बी आएंगे भैया, तो अब ये वाला को अब देख लीजिए कहाँ पर लगाएंगे, अच्छा आपने बीच वाले में लगाया, अच्छा बात है भैया, देखिए पहले उस बुड्ढे को मारिए भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मर जाएगा तो पीछे से नहीं आएगा, हालांकि आपके पास ये डबल हेड वाला है भैया इसलिए दिक्कत नहीं है। देखिए अभी आपके सभी ज़ॉम्बी मर जाएंगे आराम से, बढ़िया है भैया ये वाला तो आराम से कर लिया, अब सेकंड वाला को देखते हैं। ओए इस बार भी 3 ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ, मैंने यार डबल हेड को यहाँ पर लगा दिया, अभी भी मेरे 2 जगह ऐसे बाकी हैं जहाँ मैं उसे मूव करा सकता हूँ, यानी कि 2 प्लांट ऐसे जगह लगाने हैं जहाँ स्लाइडर है, अभी मेरे प्लांट सही जगह लगे हैं तो अभी उतनी दिक्कत नहीं है, आराम से खेल रहे हैं हम। हाँ भैया अभी आगे तो और भी खतरनाक ज़ॉम्बी आने वाले हैं, हालांकि इस लेवल में उतने ज़ॉम्बी नहीं आएंगे क्योंकि अभी डे 4 ही चल रहा है भैया। ओए हाँ इसका प्रोग्रेस भी अभी आधा हुआ है, अभी देखते हैं और कौन कौन से लेन खाली है, अभी तो 5 के 5 लेन से आ रहे हैं, अरे बाप रे अभी इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, अभी देखते हैं कि सब जगह मेरे प्लांट हैं कि नहीं, इसको यहाँ स्लाइड कर देता हूँ, अब सही है, अब सब जगह मेरे प्लांट ही प्लांट है, अभी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया ये तो है, स्लाइडर वाले में एक फ़ायदा है भैया कि आप स्लाइड करके कहीं भी रख सकते हैं, देखिए भैया वो बुड्ढा को देखिए कैसे उसने जंप मारा, पर अच्छा है आप बच गए भैया, अब ये रिपीटर है इसको आप देखिए इस खाली वाले में लगा दीजिए, बस अब देखते हैं भैया अभी तो सब जगह से ज़ॉम्बी आना चालू हो गए हैं, अब जहाँ से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी आते हैं उसे आप स्लाइड कर सकते हैं भैया। वो स्लाइडर वाले की बात ये है, खासियत ये है कि किसी में भी आप पावरफुल वाला एक प्लांट रख के उसे कहीं भी मूव करा सकते हैं जिस लेन भी अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये। हाँ भैया आप तो सभी इलेक्ट्रिक फेंस खुल गए हैं भैया, देखिए अब इस बार 4 जगह से आएंगे भैया, पर एक बकेट हेड भी है, तो बकेट हेड के लिए एक काम कीजिए भैया, ऐसे तो आपके सभी जगह है लेकिन थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा भैया, देखिए बकेट हेड को पहले मारिए भैया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओए जैसे ही सबसे ऊपर वाला ज़ॉम्बी मर जाएगा फिर मैं स्लाइडर को स्लाइड कर दूंगा और सब जगह इस एम कर दूंगा इस बकेट हेड के ऊपर, वो भी मर गया, अब थर्ड वाले को भी ऐसा करता हूँ, देख एक लाइन में बहुत सारे मेरे प्लांट हो गए हैं, अब मर गया, अब जाके मरा ये बकेट हेड। देखिए भैया
अगला जो प्लांट है वो थ्री बीटर है भैया, देखिए तीन जगह से अटैक करेगा। ये अच्छा किया भैया आपने बीच वाले लेन में लगा दिया, अब स्लाइड करके इसे सेट कर दिया भैया, बहुत बढ़िया। ओए देख ये सेटिंग कैसी है, मुझे सही लग रहा है। हर लेन में अब जहाँ भी ज्यादा जॉम्बी होंगे वहाँ पर मैं स्लाइड कर दूंगा। देख अब लगभग हर जॉम्बी मर गए हैं, बस ऊपर वाले जंजबम्बी और नीचे को छोड़ के दोनों एक साथ मर गए। देखिए भैया एक थ्री बीटर और है, इसे भी बीच वाले में लगा दीजिए, बढ़िया है भैया। अब देखिए सभी जगह से जॉम्बी आ रहे हैं, सबको खत्म करेंगे। देखिए थ्री बीटर्स लगातार अटैक कर रहा है भैया, ये अच्छी बात है। ओए तू देखता जा, किसी को घुसने नहीं दूंगा, स्लाइडर को स्लाइड कर करके सबका काम तमाम कर दूंगा। देख इतने जल्दी जॉम्बी आए उतने जल्दी मर भी गए। हाँ भैया मुझे लगता है कि अब यूज वेव आने वाली है, देखिए फाइनल वेव आने वाली है। तो एक और थ्री पीटर मिला है भैया, अच्छे जगह प्लांट किया, देखते हैं। उसमें से एक बकेट हेड भी है भैया, बस उसे संभालना पड़ेगा, बाकी तो ऐसे ही जॉम्बी है। ओके एक प्लेन वाला भी आ रहा है भैया, तो पियानो वाला है, उसको एम कीजिए भैया, उसके तरफ सभी जॉम्बी को रख दीजिए, सॉरी सभी प्लांट को रख दीजिए, तब हम जीत पाएंगे भैया। वो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लांट फूड लगा दिया और वो तुरंत ही मर गया। देख अब एक ही बाकी है, इसको भी ख़त्म करके ए लेवल भी पार करते हैं, तो डे फोर हमारा ख़त्म हो गया और हमको रिवॉर्ड में एक नया प्लांट मिला है। ये कौन सा है, ये तो बीन्स लग रहा है, वो भी लाल कलर का, इसका नाम है चिली बीन्स, जॉम्बी डेट ईट इट डिफीटेड एंड रिलीज गैस। ओके ओ ये तो काफ़ी फनी है, इसको जॉम्बी खाने के बाद गैस छोड़ेगा। अरे भैया इसमें एक खतरनाक जॉम्बी है भैया, वो जो लेडी है भैया वो बहुत खतरनाक है, उसके चेहरे पर मत जाइए भैया, वो बहुत ही खतरनाक है। वो अपने कपड़े के नीचे एक टोस्टर रखी हुई है भैया, जो लोहे का होता है, उसे तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। ओए मैंने तो प्लांट सेलेक्ट भी कर लिए, चल देखते हैं आगे क्या होगा, अब प्लांट लगाना चालू करते हैं। ये मैंने सनफ्लावर लगाया, अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि तुरंत दूसरा आता है तो दूसरा सनफ्लावर लगाऊंगा। पहला लीन तो पूरा सनफ्लावर का रहेगा, उसके बाद देखता हूँ। अभी एक पी शूटर की ज़रूरत है तो उसे लगा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा डबल पी शूटर यानी रिपीटर चालू हो गया है, पर उसकी जगह डबल हेड वाला लगा दिया मैंने। हाँ भैया जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसे स्लाइड करके लगा सकते हैं, ये डिसीजन अच्छा है। ओए ठीक है अभी एक काम करता हूँ, अभी मेरे पास ये डबल हेड वाले आ गए ट्विन सनफ्लावर, इन्हें भी लगा के स्टार्ट करता हूँ, तो अब बढ़िया है। देख अब स्लाइड करके इसे मारना चालू करता हूँ, लेकिन इसको फ्रीज करना पड़ेगा पहले। हाँ भैया ये तो अच्छा है कि आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो आप लगातार ट्विन सनफ्लावर लगा सकते हैं भैया, और फिर स्लाइडर को स्लाइड कीजिए भैया। अच्छा हुआ आपने यहाँ पर एक और पी शूटर रख दिया, क्योंकि इस कोन हेड वाले को हराने के लिए कम से कम दो प्लांट तो चाहिए भैया, दो पी शूटर तो चाहिए ही, तो चलिए अच्छा है भैया आपका एक और खुल गया है। देखिए भैया वो लेडी आ गई है, जल्दी कुछ कीजिए भैया, अच्छा हुआ आपने तुरंत ही ये रिपीटर लगा दिया। अब स्लाइड करके ये डबल हेड वाला भी लगा दीजिए भैया, अरे इस बार उसने टोस्टर नहीं पहना था, कुछ तो टोस्टर पहन के आती है, बहुत खतरनाक होती है भैया, पर इस बार अच्छे हम लकीली थे भैया कि ये टोस्टर पहन के नहीं आई है। देखिए फिर से आ रही है ये। ओए ठीक है अभी तक मैंने वहाँ कोई प्लांट नहीं लगाया, लेकिन अब जल्दी लगा दूंगा। देख उसको करने के लिए मैंने रिपीटर लगा दिया। हाँ भैया बढ़िया है, देखिए मैंने कहा था ना भैया ये टोस्टर पहन के आती है, बहुत खतरनाक है भैया, देखिए इसके टोस्टर को टूटने में भी बहुत टाइम लगता है। अभी तक आपने इतना हमला किया है भैया, लेकिन इसे अभी तक कुछ नहीं हुआ, लगता है आपको प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा भैया। ओए तूने तो बिल्कुल सही कहा था, तुरंत प्लांट फूड यूज़ करता हूँ, कोई बात नहीं अभी हम मेरे जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ पर रिपीटर रखता हूँ, तो अभी सही है। ओए पहला ह्यूज वेव तो चालू भी हो गया, इस लेवल पे दो फ्लैग हैं, ओके यानी कि दो बार ह्यूज वेव आएंगे। ओए पहला ह्यूज वेव तो चालू भी हो गया, लेकिन मैं तैयार हूँ, मैंने सब जगह सही सही प्लांट लगाए हैं। देख इसको फ्रीज भी कर दिया जो टोस्टर वाली थी, और फ्रीज करके वहाँ पर डबल जो रिपीटर है और साथ में सिंगल रिपीटर है उसको लगाना चालू कर दिया। एक अटैक करना चालू भी कर रहा था तो मैंने प्लांट फूड यूज़ कर लिया। हाँ भैया कितने सारे जॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए भैया, देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड से इतने सारे जॉम्बी आ रहे हैं भैया। अच्छा हुआ आपके पास प्लांट फूड है, अब तो प्लांट फूड भी ख़त्म हो गया भैया। और यहाँ देख रहा हूँ ऊपर वाले में बहुत सारे जॉम्बी आ रहे हैं, बीच वाले से भी आना चालू हो गए हैं, अभी देखना पड़ेगा मैंने स्लाइडर को कहाँ रखना है, पर कोई बात नहीं अपने रिपीटर्स की सब जगह मैंने लगा दिया है।
बढ़िया है भैया। ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा लगता है। एक ह्यूज वेव और आने वाली है, तो देखिए वो टोस्टर वाली के लिए आपने अच्छा हुआ प्लांट फूड यूज़ कर लिया भैया। अभी आपके पास एक प्लांट फूड और है, वो आप संभल के यूज़ करिएगा भैया। ओ यहाँ संभल के यूज़ करूँगा। देख इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, कहीं वो टोस्टर वाली ना हो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। देख आखिरकार वो एक टोस्टर वाली है, दो है बल्कि इनफैक्ट, और ये बुड्ढे भी आ रहे हैं, सबको मारना पड़ेगा। हाँ भैया प्लांट फूड यूज़ कीजिए और सेकंड वाले में भी कीजिए भैया, तुरंत ही मार दीजिए सबको। ये हुई ना बात भैया। बढ़िया है, ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया। ओए क्या बात है, वाइल्ड वेस्ट का D5 भी ख़त्म हो गया। बढ़िया है, हमने आराम से पार कर लिया है। अभी तक तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा है। अब अनलॉक पी पॉड मिलेगा, वो 6 लेवल के बाद मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, बैग ऑफ कॉइन मिला है। देखते हैं भैया अगला चैलेंज कौन सा है। देखते हैं अगला कौन सा आता है। देखिए फिर ये कार आ गई, क्या बोलना चाहती है ये। वो एक क्रेजी रेव भी आ गया। देखते हैं अभी कौन सा लेवल आने वाला है। इसमें मुझे 3 अलग अलग साइड दिख रहे हैं, प्लान योर डिफेंस एंड डिफीट द जॉम्बीज। ओके मुन्ना, देखते हैं इसमें कितने सन मिले हैं, उसके हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा। सिर्फ 2000 सन मिले हैं, कोई बात नहीं। अभी स्लाइडर में सबसे पहले मैं रिपीटर रख लूँगा। पहले तो सिंपल पी शूटर रखता हूँ, एक रिपीटर रखूँगा, उसके अलावा मुझे वॉलनट रखने पड़ेंगे, और आखिर में मैं रखूँगा बॉन्ग चॉय। बाकी प्लांट की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूज़ तो करना ही है, लेकिन चुन के रख लेता हूँ। ठीक है, बस जो मेन प्लांट मुझे लेने थे मैंने चुन लिया, अब बाकी तो बस फिलिंग के लिए है। तो कोई से भी प्लांट ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बस मुझे कंप्लीट तो करना है, उसके बाद केवल इन्हीं का यूज़ करूँगा। एक काम करता हूँ, ऐसे ही स्पाइक वीट को रख लेता हूँ, उसके अलावा और कौन सा लूँ, ये टॉर्च वुड रख लेता हूँ, ये पी स्प्लिट पी रख लेता हूँ, और ये ट्रिपल पी रख लेता हूँ। अब ठीक है, 2000 सन में मुझे थोड़ा चूज़ करके रखना पड़ेगा। पहले ये डबल पी शूटर रख लेता हूँ, जहाँ जहाँ स्लाइड करके रख सकता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि सब जगह ये वॉलनट रख लूँ, उसके पीछे में सब जगह में ये बॉन्ग चॉय रखूँगा। बढ़िया अरेंजमेंट लगता है भैया। अब बाकी में एक काम कीजिए, स्पाइक वीट रख लीजिए भैया। स्पाइक वीट काम के आते हैं भैया, पर लगता है आप केवल 4 लेन में रखेंगे और 75 बाकी हुआ है भैया, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओए हाँ देखते हैं, मुझे लगता है ये अरेंजमेंट ठीक है, फिर भी अब जैसे ज़ॉम्बी आएंगे फिर देखेंगे हमारा अरेंजमेंट कितना टिक पाता है। और भैया जहाँ पर आपको ट्रबल लगेगा वहाँ पर आपके पास प्लांट फूड तो है ही भैया। देखिए बस वो टोस्टर वाली रहा है भैया, वही बस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन आपने अच्छा किया भैया कि आपने ये स्पाइक वीट रख लिया है, तो टोस्टर वाली को अच्छा खासा हर्ट होगा भैया। देखिए ये पियानो वाला भी आने वाला है, तो अच्छा किया भैया आपने प्लांट फूड यूज़ कर लिया। देखिए भैया नाम लिया और हाजिर। देखिए वो टोस्टर वाली कैसे आ रही है। देखिए उसने टोस्टर पहना हुआ है, अभी एक को तो मार दिया, दूसरा बाकी है। पियानो वाला भी आ रहा है भैया, अच्छा हुआ आपने प्लांट फूड यूज़ कर लिया, अब बढ़िया है। ओए अभी तक प्रोग्रेस बार आधा ही हुआ है और इतने सारे पियानो वाले आने चालू हो गए। देख डबल डबल आ रहे हैं, दो दो जगह पे आ रहे हैं, और मेरे पास अभी तो प्लांट फूड भी नहीं है, एक जगह बस मैंने यूज़ किया है, और उससे भी ये मुश्किल से पियानो वाला टूटा। कोई बात नहीं, मेरे पास स्पाइक वीट तो है ही, उससे वो पियानो वाला आगे नहीं बढ़ पाएगा, हालांकि इससे मेरा स्पाइक वीट टूट जाएगा। हाँ भैया आपका स्पाइक वीट तो काम आ गया भैया। देखिए अगर आप पियानो वाले को टाइम पर नहीं मार पाएंगे, वो भी स्पाइक वीट के कारण वो रुक जाएगा। देखिए बस अब ह्यूज वेव आने वाली है भैया, देखिए कैसे ये ज़ॉम्बी नाच नाच कर अपना लेन चेंज करते हैं भैया, यही ज़्यादा सा खतरनाक है। कोई खतरनाक तो है, लेकिन मेरे पास ये लेन है, इससे मैं एक जगह पे जहाँ पर मुझे ज़रूरत है वहाँ पर लगातार ये प्री शूटर्स को रख लेता हूँ, रिपीटर्स को, वो एक ही बार में इनका काम तमाम कर देता है। देखिए भैया ह्यूज वेव आने वाली है और लगातार पियानो वाले आ रहे हैं भैया। थोड़ा देखिए भैया कहाँ पर आप रख सकते हैं, ये पियानो वाले की तरफ पहले रखिए भैया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ख़त्म हो गया तो ज़ॉम्बी डांस करना बंद कर देंगे भैया। देखिए एक और टूट गया, अब तुरंत स्लाइड कीजिए भैया, यहाँ आपको ज़रूरत है। ओए वही कर रहा हूँ, देख जगह जगह से आना चालू हो गए, लेकिन अच्छी ये अच्छी बात है कि ह्यूज वेव ख़त्म हो गया और लगभग हमारे काम हो गए। बॉन्ग चॉय ने सबकी छुट्टी कर दी, बहुत बढ़िया। क्या बात है भैया, लगभग ख़त्म हो गए, जीत गए भैया। ये लेवल भी ख़त्म हो गया, यानी D6 भी ख़त्म हो गया भैया। ओए हमारा डिफेंस काम कर गया, बढ़िया है। बस दो जो हमारे स्पाइक वीट थे वो टूट गए, बाकी सब काम हो गए। अब देखिए क्या मिला है 125 में।
इसका नाम पी पॉड है भैया, इसमें आप कितने भी पी शूटर रख सकते हैं भैया। ये फाइट करना चालू करेगा एक ही जगह पे भैया। ओए लग तो अच्छा रहा है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है मुझे नहीं पता, फिर भी देख लेंगे आगे के लेवल में। अभी ये क्या है, फिर से ट्रक आ गया, ये क्या बोलना चाह रहा है? इस बार तो दो स्लाइडर है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसको यूज़ कैसे करना है? और क्रेजी डेव भी आ गया। हाँ भैया, ये लेवल थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लगता है भैया। ये क्या बोलता है, जैन गार्डन में जाना है? ओए इसमें जैन गार्डन में जाने से क्या मिलेगा? ओह क्रेजी डेव क्या बोल रहा है कि हम इसमें एक कोई सीड प्लांट कर सकते हैं जिससे हमको बूस्ट मिलेगा। उस प्लांट में बूस्ट मिलने पर हम उसे उस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर प्लांट किया, देखिए क्या मिला, सनफ्लावर मिला। ओके तो इसे जल्दी से पानी देते हैं। तो ये क्या हुआ भैया, ये प्लांट बड़ा हो गया है, लेकिन बूस्ट के लिए इसको डायमंड की ज़रूरत है भैया, वरना जो टाइमिंग लिखा हुआ है उस टाइमिंग के बाद वो बूस्ट हो सकता है। देखिए हमको 10 ये देना पड़ेगा, तो ये अब ये बूस्ट हो गया भैया। अब भी इसको इस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ओके समझ में आ गया, लेकिन ऐसा बूस्ट केवल एक ही लेवल के लिए काम आएगा भैया, पर कोई बात नहीं, हम उसे यूज़ करेंगे भैया। ये बूस्ट क्या होता है, प्लांट में बूस्ट करने से क्या होता है? अरे भैया बूस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आप उस प्लांट को प्लांट करेंगे भैया, तो उस प्लांट में वैसा ही इफेक्ट आएगा जैसे कि आप उसमें प्लांट फूड यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे ही आप इसे प्लांट करेंगे, तो जैसे ही इसमें प्लांट फूड यूज़ करते हैं तो वैसा इफेक्ट आता है, यानी कि तुरंत ही आपको बहुत सारे सन मिल जाना चालू हो जाएंगे भैया। आप जितने बार इसे प्लांट करेंगे उतने बार ये बूस्ट मिलेगा भैया, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओ ये तो बढ़िया है, ये मैंने नहीं सोचा था। हाँ भैया चलिए अब इस बूस्टेड प्लांट के साथ खेलना चालू करते हैं भैया, बहुत मजा आने वाला है। ओए ठीक है चल देखते हैं, पहले मैं सनफ्लावर प्लांट करता हूँ। ओ ये क्या, उसने तो बहुत सारे सन दे दिए, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही मैंने इसे प्लांट किया खूब सारे सन मिल गए, क्या बात है, जितने बार प्लांट करूँ उतने बार मुझे बूस्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। इसे तो मैं केवल ये रिपीटर ही लगाऊंगा, देखिए जितने बार मैं इसे प्लांट कर रहा हूँ उतने बार मुझे बूस्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। अभी सभी जगह ये रिपीटर ही लगाना चालू करता हूँ, क्योंकि अब मुझे सन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ भैया बहुत बढ़िया, देखिए जहाँ जहाँ भी आपको जरूरत है ये रिपीटर लगा दीजिए। ओए मज़ा आ गया बूस्टेड प्लांट से, मुझे बहुत ही मज़ा आया, देख जब भी इनको लगाते जा रहा हूँ उतने बार मुझे सन मिलते जा रहे हैं, और मेरे पास काफ़ी पैसा हो जाता है जिससे मैं इन रिपीटर्स को लगा सकता हूँ। अब जहाँ चाहे इसको स्लाइड करके उसके सामने लगा सकता हूँ। हाँ भैया, लेकिन आपने वॉलनट और बोंग छोए को थोड़ा सा दूर कर दिया भैया, पर कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहे हैं आप। ओए क्या बात है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें प्लांट करने पर, और हर बार मुझे बूस्ट पे बूस्ट मिल रहा है। तो देख वो टोस्टर वाली तो गई, बढ़िया है भैया, अच्छा खेल रहे हैं। देखिए आपने सब जगह ये रिपीटर लगा दिया है, बस एक ही जगह बाकी है भैया, वहाँ भी लगा दीजिए। ओए ठीक है, वो स्लाइडर वाला भी तो है, स्लाइडर वाले को मैं सोचता हूँ कि उस वॉलनट के पीछे में रख दूँ तो काम बन जाएगा, तब कोई ज़ॉम्बी इसे खा नहीं पाएगा इतना इजीली। हाँ भैया वो टोस्टर वाली को तुरंत ही आप वो मारिए भैया, देखिए उसे फ्रीज कर दीजिए, बहुत बढ़िया भैया। अभी सभी जगह ऐसे वॉलनट लगना चालू कर दीजिए भैया, बढ़िया है, ज़ॉम्बी आएंगे तो वॉलनट खाते रह जाएंगे, तब तक आपके पास ये रिपीटर्स की पूरी सेना है भैया। ओए हाँ बस एक बॉन्ग जॉय को मैंने गलत जगह लगा दिया, पर कोई बात नहीं, ये पहला ह्यूज वेव है, इसे तो हम आराम से झेल लेंगे क्योंकि हमारे पास खूब सारे रिपीटर्स हैं। हाँ भैया खूब सारे रिपीटर्स तो हैं, लेकिन खूब सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा भैया। ओए हाँ तू चिंता मत कर, मेरे पास ये सनफ्लावर है ना, जितने बार इसे प्लांट करता हूँ उतने बार मुझे बहुत सारे सन मिल जाते हैं, तो मेरे पास सन की कोई कमी नहीं है, उसे जितने चाहे इतने रिपीटर लगा सकता हूँ। इससे तो ये लेवल बहुत ही आसान हो गया, आराम से इसे पार कर रहे हैं हम, मुझे तो बस इसे ही लगाने में मज़ा आ रहा है, जितने बार इसे लगाता हूँ उतना मज़ा आता है। हाँ भैया अब ह्यूज वेव आने वाली है, उसके लिए तैयारी कीजिए भैया। देखिए आपने सब जगह रिपीटर लगा दिया है, बहुत बढ़िया काम किया भैया, लेकिन अभी वॉलनट भी सब जगह बाकी है भैया, वैसे फाइनल वेव आने वाली है भैया। ओए फाइनल वेव की तैयारी हो गई है, देख अब एक ही जगह वॉलनट बाकी है, वहाँ भी लगा देता हूँ, बस अब ऊपर वाले ज़ॉम्बी बाकी हैं, वो ख़त्म हो गए तो हमारा काम हो जाएगा।
वाह भैया बढ़िया है। देखिए बस एक ही बाकी था, ये भी खत्म हो गया, यानी डे 7 भी खत्म हो गया भैया। अब सिर्फ डे 8 बाकी है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे भैया, क्योंकि हमने कहा था ना कि एक पार्ट में केवल हम 8 लेवल ही खेलेंगे, ताकि ये 3 पार्ट में खत्म हो सके। ओए ये क्या है, ज़ॉम्बियों ने फिर एक कागज भेज दिया। हाँ भैया देखिए तो उसमें क्या लिखा हुआ है। देखने पर क्या लगता है ये क्या है भैया? ये तो वांटेड है, डिलीशियस ब्रेन मीट, ओके, रिवार्ड फॉर $500। वाह यू हैव मनी। ये ज़ॉम्बी तो बहुत खतरनाक है भैया, इन्होंने पोस्टर लगाना भी चालू कर दिया। पर कोई बात नहीं भैया, हम इनके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। ओ यहाँ अभी देखते हैं अगले लेवल पे क्या आता है और इस लेवल में क्या डिफिकल्टी आती है। ओके यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तरीके के ये रखे हुए हैं, बस बहुत ही कम एरिया बाकी है जहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। हाँ भैया ऐसे में बहुत हार्ड हो जाता है सर्वाइव अ मैसिव अटैक ड्यूरिंग वाइल्ड वेस्ट सर्वाइव विद एनी लॉन मोर। अरे भैया ये क्या भैया, ये तो बहुत खतरनाक हो गया भैया, क्योंकि अपने पास तो प्लांट रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और अच्छा ये स्लाइडर वाला है, तो इसमें ये पॉड वाला लगाना चालू करते हैं। ओए मुन्ना ये काम कैसे करता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस आता जा रहा है तो उसे लगाता जा रहा हूँ, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ भैया शुरुआत में आते हैं तो उन्हें लगाते जाइए, फिर देखते हैं भैया इसे जहाँ पॉड है वहाँ पर फिर से पॉड लगने पर वो डबल पॉड में कन्वर्ट हो जाता है भैया। उसके अलावा ये चिली बीन है भैया, इसको सही जगह रखिए तो ज़ॉम्बी इसे जैसे ही खाएगा भैया वैसे ही मर जाएगा। इसे हर लेन पे रखते जाइए भैया। देखिए बढ़िया है भैया, अच्छा खेल रहे हैं। ओ यहाँ देख कितने फनी वे में मरते हैं, बहुत बढ़िया बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इसे सबसे पहले जो पॉड वाले हैं इनको हर लेन में एक रहना चाहिए, वही मैं काम कर रहा हूँ। और जल्दी जल्दी इन वॉलनट को भी रखता जा रहा हूँ ताकि वॉलनट हमें प्रोटेक्ट कर सके। हाँ भैया बीन्स भी रखना चालू कीजिए भैया, जल्दी से जल्दी रखिए ताकि हम भी उसे खाकर तुरंत ही मर जाए। ओए पॉड वाले मैंने हर जगह रख दिए हैं, मेरे ख्याल से अब ठीक है भैया। लेकिन ये केवल सिंगल सिंगल है भैया, ध्यान दीजिए भैया, देखिए नीचे कौन वाला ज़ॉम्बी आ रहा है। ओए उसने तो उसे खाना भी चालू कर दिया, मेरा एक प्लांट खा गया, पर कोई बात नहीं अभी मैं उसे बताता हूँ। हाँ भैया देखिए आपको एक प्लांट फूड मिला है, देखिए इसे ज़ॉम्बी वाले में यानी प्लांट फूड पे पॉड भी यूज़ करके देखिए भैया क्या इफेक्ट आता है। ओए हाँ इसी बीच में पहला यूज आने वाला है, तो इसे पहले मैं इसे इसमें यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत खतरनाक है टोस्टर वाली। अरे मेरा एक जगह वॉलनट छूट गया, उसे भी लगाना पड़ेगा। अच्छा अब समझ में आया, इन पॉट्स के ऊपर जैसे ही आप दूसरे बार पॉट रखेंगे तो वो डबल में चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे तीसरे फिर चौथे करते हुए। ओके समझ में आ गया, अब मुझे इसका यूज़ समझ में आया, अब हर जगह इसे डबल डबल प्लान करता हूँ, पहले कोई वॉलनट आ जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए भैया आपने बोला और हाजिर हो गया, अब आपका सब लेन जो है वो वॉलनट से सुरक्षित हो गया भैया, बहुत बढ़िया। ओए हाँ देख सब जगह तो हो गया, पर देखते हैं वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी जब आएगा तब दिक्कत होगी, और ये बके हेड वाले भी आना चालू हो गए हैं, तो अभी एक काम करता हूँ, ये पियानो वाला आ रहा है इसकी पहले मैं हल खराब करता हूँ, उसके बाद बाप रे इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ इनको कैसे संभालेंगे, इतने सारे एक साथ तो हमारा ये पॉट भी नहीं संभाल पा रहा है। हाँ भैया देखिए इस बार ये जो प्लांट मिला है भैया थोड़ा ठीक नहीं है भैया, देखिए पीछे से ये भी उड़ के आना चालू हो गया, अब बस ये बड़े ज़ॉम्बी है भैया यही सबसे खतरनाक है। ओए हाँ ये तो है, पर इनके लिए क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये खूब सारे हैं और बकेहेड वाले भी हैं, सब एक साथ आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये सबको एक अलाइन कर देता हूँ, सबसे पहले उसको मारना है, उसके बाद प्लांट फूड भी यूज़ करना चालू कर देता हूँ। अब ठीक लग रहा है मुझे, वो छोटा वाला जो ज़ॉम्बी है वो तो मारना भी चालू कर दिया यानी खाना भी चालू कर दिया, और मेरे वॉलनट भी ख़त्म होते जा रहे हैं, मुझे वॉलनट लगाना पड़ेगा। हाँ भैया नीचे देखिए, देखिए वो तो बकेट वाला आगे ही बढ़ गया है भैया, उसके अलावा ये पियानो वाला भी आ रहा है, इसे भी मारना पड़ेगा। देखिए बाप रे हर जगह आना चालू हो गए हैं, जल्दी से जल्दी मारिए भैया इसे, तब बात बनेगी भैया। ओए कहाँ कहाँ संभालूँ समझ नहीं आ रहा है, हर जगह से तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और ये पियानो वाला भी मरता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मरा, ऊपर से टोस्टर वाला आ रहा है, बाप रे अब तो ये ज़ॉम्बी घुसते जा रहे हैं अंदर। अरे ये उड़ने वाले ज़ॉम्बी ने हालत ख़राब कर दी, अभी तो मैं कुछ रख भी नहीं सकता उसकी जगह।
हाँ भैया, इसमें तो लॉन मूवर भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं भैया, हम जीत सकते हैं। देखिए फाइनल वेव है और अभी तक तो सब सही चल रहा है भैया। बस बड़े बड़े जॉम्बी ना आ जाए भैया। देखिए ये आखिरकार आ गए जिनकी मैं बात कर रहा था। आपके पास ज़्यादा प्लांट फूड भी नहीं है भैया। ओए दो दो जॉम्बी एक साथ, ये गलत बात है। ये अब कैसे मारूंगा इनको मैं? एक में तो प्लांट फूड यूज़ कर लिया, अभी मेरे पास प्लांट फूड भी नहीं है। हाँ भैया, लगता है ये तो अंदर घुस जाएंगे भैया। ध्यान दीजिए, एक तो मर गया शायद, फिर दूसरा बाकी है। देखते हैं भैया क्या होता है। ओए सच में खतरनाक सिचुएशन है। अब तो मेरे पास प्लांट फूड भी नहीं है, इनको रोकेंगे कैसे? वो भी दो दो है और लॉन मूवर भी नहीं है। अभी मेरे पास एक ही तरीका है, बस मैं एक करंट वाला यूज़ कर लूँ। और करंट में बाकी ये भी है। ओह फाइनली मर गए। अच्छा है ये करंट वाला फीचर है जिससे हम बच जाते हैं। हाँ भैया सही टाइम पर यूज़ किया भैया, आखिरकार हमने इसे भी जीत लिया भैया, तो डे 8 भी ख़त्म हो गया। तब वीडियो को भैया यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमने हार्ट लेवल खेल लिया है। हार्ट लेवल बहुत होते हैं भैया। अब अगले पार्ट के लिए अगला लेवल छोड़ देते हैं भैया। देखिए ये फिर से हेड मिला है, यानी कि कुछ प्लांट तो हमारे जो अपग्रेड होंगे भैया। तो भैया ये था वीडियो, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।